हाय वेलकम टू तो आज की इस में, हम लोग जो सोलर इंडस्ट्री है उसका एनालिसिस करने वाले हैं एंड को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो पहले पार्ट ऑफ द एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि सोलर इंडस्ट्री की वैल्यू चेन क्या है कि सोलर पैनल्स बनते कैसे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द एनालिसिस में हम देखेंगे कि वाई इज सोलर एनर्जी बींग प्रेफर्ड कि सोलर एनर्जी कोई इसका जो प्रेफरेंस है इतना ज्यादा क्यों है थर्ड पार्ट ऑफ द एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि वट आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज विच आर ड्राइविंग द सोलर पैनल इंडस्ट्री की कौन सी की गवर्नमेंट पॉलिसीज है विच आर ड्राइविंग द सोलर पैनल इंडस्ट्री फोर्थ पार्ट ऑफ द एनालिसिस में हम देखेंगे कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूल्स एंड सेल्स की सोलर मॉड्यूल्स की इंडस्ट्री कैसा करिए और सोलर सेल्स की इंडस्ट्री कैसा कर रही है एंड वाई इज इट इम्पॉर्टेंट कि कंपनी सोलर सेल्स के अंदर जल्दी से जल्दी आए बिकॉज इट इज अगेन लिंक टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे दैट वील बी एनालाइजिंग दैट वॉट आर द की इंडस्ट्री ड्राइवर्स मानी इंडस्ट्री में डिमांड और सप्लाई में क्या चल रहा है कि कहीं ओवर सप्लाई इस इंडस्ट्री के अंदर ना आ जाए इन साथ साथ इंडिया में एक्सपोर्ट का एंगल क्या है पार्ट ऑफ दिस एनालिसिस में हम देखेंगे कि कौन से की लिस्टेड प्लेयर्स हैं और अनलिस्टेड प्लेयर्स हैं विच आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ दिस सोलर बूम एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस एनालिसिस में हम लोग की रिस्क फैक्टर्स देखेंगे आपको रिस्क फैक्टर्स जरूर देखने चाहिए इस इंडस्ट्री एनालिसिस में बिकॉज सोलर इंडस्ट्री में कमोडिटी एलिमेंट्स हैं बट अभी क्योंकि सोलर इंडस्ट्री इंडिया में स्टैब्लिश हो रही है इस वजह से प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं बट ये तब प्लेयर्स खराब करने लग जाए ये आपको रिस्क फैक्टर्स के अंदर समझ आएगा कि क्या की रिस्क फैक्टर्स इस इंडस्ट्री के अंदर हो सकते हैं इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स ऑफ द वीडियो जो आपको देखना चाहिए राइट विद दिस विल स्टार्ट द वीडियो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू मेक श्योर डैट योर द लाइक बटन एंड यू ड्रॉप अ हेलियस इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू आर एक्साइटेड फॉर इट पहले तो हम देखते हैं कि सोलर इंडस्ट्री की वैल्यू चेन कैसे है और सोलर पैनल्स बनते कैसे तो जब हम सोलर पैनल्स की वैल्यू चेन देखते हैं तो पहली जो सिंपल चीज़ है डैट इज पॉलीसिलीकॉन तो जब ये भी सोलर पैनल्स की मैनुफैक्चरिंग स्टार्ट होती है इट इज स्टार्टेड बाई अ मटीरियल नोन एज पॉलीसिलिकॉन एंड पॉलीसिलीकॉन और इट्स अ हाई प्योरिटी पॉलिक्रिस्टनाइल फॉर्म ऑफ सिलिकॉन यूज एज रॉ मेटीरियल इन सोलो फोल्टिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तो बेसिकली इट्स अ की रॉ मटीरियल फिर पॉलीसिलिकॉन से इनगॉट्स बनते हैं अब इनगॉट्स बनाने के लिए इट्स वन ऑफ द मोस्ट एनर्जी इंटेंसिव जॉब्स माने सबसे ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव जॉब है पॉली को इन गॉड्स में कन्वर्ट करने की एंड इट क्रिएट इट इन्वाल्वस अ लॉट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन गॉड्स से वेफर बनते हैं राइट तो स्लाइसिंग इन गॉड्स इंटू थि सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन वेफर्स इट्स अ फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल सोलर सेल्स प्रिसाइज कटिंग टेक्निक्स एंड मिनिमल वेस्ट आर क्रूशल फिर वेफर से सोलर सेल्स बनते हैं सोलर सेल्स बनाना सबसे कॉम्प्लिकेटेड टास्क है बिकॉज यहाँ पे बहुत टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है एंड सोलर सेल्स में ब्रेकेज भी हो जाती है तो काफी सारी कंपनीज जो इंडिया के अंदर अभी सोलर सेल प्लांट्स लगा रही है तो सेकंड हैंड प्लांट्स और सेकंड हैंड लाइन लेके आ रही है जिसमें टू 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 की है लीड्स एट ऑफ लॉस ऑन द लेवल राइट तो पे बेसिकली सोलर सेल्स बनाने का प्रोसेस टेक्नोलॉजिकली बहुत इंटेंसिव है एंड सोलर सेल्स बार बार इनमें टेक्नोलॉजी चेंज भी होती रहती है मोनोपोप के बाद अभी टॉपकॉन आया टॉपकॉन के बाद एच टेक्नोलॉजी आई है उसके बाद कोई और टेक्नोलॉजी आएगी तो अगेन इट्स अ बिजनेस वेयर ऑप्सोलेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी प्रेविलेंट देन फिर इससे मॉड्यूल्स बनते हैं मॉड्यूल बनाना सबसे आसान काम है मॉड्यूल बनाना सिर्फ एक कन्वर्टर का काम है बेसिकली इट इज जस्ट कनेक्टिंग सेल्स इन सीरीज एंड पैरल इन एंड ऑटोमेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मॉड्यूल मैनुफेक्चरिंग तो देखिए सोलर बिजनेस है एक तरीके का कमोडिटी बिजनेस बट इस इंडस्ट्री के अंदर जो भी सबसे ज्यादा इंटीग्रेटेड होएगा वैल्यू चेन में और जो जितनी जल्दी अपने आप को इंटीग्रेट कर लेगा वैल्यू चेन में वो उतनी जल्दी जीत पाएगा इस इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ आपको अपने साथ ठाननी पड़ेगी क्योंकि अभी तो इंडस्ट्री के अंदर हर कोई अच्छा कर रहा है बट आने वाले टाइम में वही कंपनीज अच्छा करेंगी जो सोलर सेल्स बना रही होंगी जो मॉड्यूल्स बना रही है या जो तक जो वेफर्स और इनगॉट्स तक बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही होंगी राइट तो आगे चलते हैं तो अभी हम देखते हैं कि पहले सोलर एनर्जी वाई सोलर एनर्जी वाई डू पीपल प्रेफर सोलर एनर्जी सो देर आर मल्टीपल रीजन तो पहली चीज देखते हैं जो लेवलाइज एनर्जी कॉस्ट है सोलर एनर्जी का इट इज द लोएस्ट फेन इट कम्स टू कंपेरिजन टू विंड कोल एंड न्यूक्लियर राइट तो सोलर एनर्जी इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज बेसिकली अवेलेबल टू ह्यूमन्स लास्ट टेन ईयर्स में सोलर एनर्जी का जो कॉस्ट है इट इज़ फॉलन बाई एट्टी परसेंट राइट दैट इज़ ऑलसो वन ऑफ द रीजन वाई सोलर एनर्जी इज वेरी वेरी प्रेविलेंट एक और क्या रीज़न है इसका अगर आप इंडिया के अंदर कपेसिटी डिशन देखते हैं सोलर के अंदर तो इंडिया में सोलर पैनल लगाने बहुत आसान है बिकॉज इंडिया में इंडिया इज अ कंट्री विच इज सिचुएटेड क्लोज टू दी इक्वेटर तो इक्वेटर के पास जो कंट्रीज होती है वहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है तो माननीय सनलाइट ज़्यादा आती है ज्यादा नहीं होती सोलर की इंस्टॉलेशन इंडिया के अंदर गवर्नमेंट का फिफ्टी गीगा के अंदर अब इंस्टॉल कैपेसिटी देखेंगे सोलर की तो इट इज ग्रोन एट अ सी एर ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट बिटवीन एफ आई एटीन टू एफ आई ट्वेंटी फोर एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अजर ट्वेंटी फोर टू एफ आई ट्वेंटी एट राइट एंड इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी एक देखते हैं इंडिया में अभी एटी वन पॉइंट एट गीगा वर्ड्स की है एंड आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है कि वन नाइनटी एट गीगा वर्ड्स की हो जाएगी एंड बाई ट्वेंटी थर्टी गवर्नमेंट का टारगेट है कि ऑलमोस्ट टू एट्टी गीगा वर्ड्स का सोलर पैनल इंस्टॉलेशन होना चाहिए इंडिया के अंदर नहीं कि हमारे जो सोलर एनर्जी है वहाँ से जनरेशन होनी चाहिए राइट तो अगेन दैट इज हाउ थिंग्स आर इन्वाल्विंग सो बेसिकली इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट सी ए जी आर बट इंडिया को अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर तो इंडिया इस टाइम फिफ्थ रैंक पे है इट कम्स टू सोलर टी वी डिप्लॉयमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड नंबर वन चाइना है तो चाइना में सिक्स हंड्रेड एंड नाइन गीगा वर्ड्स का डिप्लॉयमेंट है यूएस के अंदर वन फोर्टी गीगा वर्ड्स का है इंडिया में अभी सेवेंटी थ्री गीगा वर्ड्स का ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में बट वो बढ़ के ऑलमोस्ट एटी वन पॉइंट एट गीगा वर्ड्स पर हो गए तो इंडिया आई थिंक लाइक जर्मनी को शायद से लीप ड्रॉप कर गया रिसेंटली तो अगेन इंडिया अभी टॉप फाइव कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में है जहाँ पे सोलर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है राइट Then why solar why do uh, industries companies and uh, like uh, why the government is also preferring solar so there are two reasons for it पहला तो सबसे सिंपल रीजन है कॉस्ट ऑफ सोलर कि एवरेज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है इंडिकेट्स अ सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू कंज्यूमर्स तो अगर आप बिलो चार्ट देखते हैं यहाँ पे तो एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हैज़ स्टेडली हैज स्टेडली इंक्रीज फ्राम थ्री पॉइंट सिक्स किलो वॉट पर आर टू सिक्स पॉइंट सेवन लाइक लाइक सिक्स पॉइंट सेवन किलो वॉट पर आर तो जनरली जो थर्मल पावर कैपैसिटी है न्यूक्लियर पावर कैपैसिटी अगर आप देखेंगे तो एवरेज टैरि पॉइंट सेवन किलो वॉट पर आर के आस पास आ गया फ्राम थ्री पॉइंट सिक्स तो दिस इज़ इन्फ्लेशन मेरा सोलर सेक्टर के अंदर डिफ्लेशन हुई है क्या डिफ्लेशन हुई है बेसिकली सोलर सेक्टर के अंदर सिंस ट्वेंटी टेन द एवरेज कॉस्ट किलो वॉट आर हैज डलाइन फ्रॉम टू पॉइंट थ्री रुपीज टूट ऑफ हेज सॉरी डिक्लाइन फ्रॉम इलेवन रुपीज टू टू पॉइंट फाइव रुपीज राइट यू जस्ट सी की एफ आई टेन के अंदर जो एक कॉस्ट थी वो ऑलमोस्ट इलेवन रुपीज़ किलो वॉट पर आर की थी जो आज टू पॉइंट थ्री टू टू पॉइंट फाइव रुपीज के बीच में है सो इट अफरेंस एंड ऑल्सो वॉट इज है इस रैड की जो इंडस्ट्री वाली कंपनीज़ हैं वो भी आजकल सोलर पैनल की बहुत इंस्टॉलेशन कर रही है क्यों कर रही है पहली चीज उनके एक तो ई एस जी नॉर्म्स हैं राइट ई एस जी नॉम्स को मीट करने के लिए जैसे एक कंपनी है गोदावरी पावर तो आपने उसमें देखा होगा रिसेंटली बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर इंटीग्रेशन करके सोलर पैनल की कैपेसिटी लगी है या तो सिमिलरली आपने न्यूलैंड हो गया लॉरस हो गया इन सब देखेंगे टाइप कि टाइप्स आए हैं कि दे आर प्रोक्योरिंग बेसिकली एनर्जी बाय डूइंग जॉइंट वेंचर थ्रू थ्रू बेसिकली सोलर एनर्जी सोर्सेज माना किसी सोलर पार्क के साथ टाइप कर लिया

वेर एज अगर आप सोलर को देखते हैं तो सोलर एफ आई ट्वेंटी फोर में एटी टू गीगा वॉट्स थी थर्मल विच इज कोल टू फोर्टी थ्री गीगा वॉर्ड्स था वेर एज इफ़ यू लुक एट अदर इन्यूबल सोर्सेज सिक्सटी थ्री गीगा वॉट्स है और विंड फोर्टी सिक्स गीगा वॉट्स है वेर एज ट्वेंटी ट्वेंटी एट में क्या आएगा फास्ट फॉरवर्ड कि एटी टू गीगा वॉट्स विल गो टू वन नाइनटी एट गीगा वॉट्स सोलर में थर्मल विल गो फ्राम टू फोर्टी थ्री टू टू सिक्सटी नाइन एंड लेट लेट्स विंड माइट गो फ्राम फोर्टी सिक्स टू सिक्सटी फोर गीगा क्योंकि विंड को इंस्टॉल करने के लिए लैंड की बहुत रिक्वायरमेंट है And हर स्टेट के अंदर विंड एनर्जी इंस्टॉल नहीं हो सकती तो दिस इज वाई सोलर एनर्जी अब हम देखते हैं कि क्या ड्राइविंग दिस इंडस्ट्री बिफोर प्रोसीडिंग विद्यो एज अ पार्ट ऑफ एसओ आई सीटिंग फोर हंड्रेड के हमारा मिशन गेट वी तो है इस वजह से हम हर संडे बहुत इंफॉर्मेटिव भी बनाते हैं बट ऐसे ऐसे कुछ एस के ट्राइब मेम्बर्स भी हैं जहाँ पर हम कोर्स के अंदर बहुत चीज़ें सिखाते हैं तो फर्स्ट चीज़ हम कोर्स के अंदर क्या सिखाते हैं डेट हाउ यू कैन डिजाइन योर ओन फाइनेंशियल प्लान सेकेंड थिंग हम क्या सिखाते हैं डेट हाउ यू कैन डू फंडामेंटल एनालिसिस कि हाउ टू अवॉइड फंडामेंटली वीक स्टॉक्स कि वीक स्टॉक्स को कैसे अवॉइड करें थर्ड थिंग में हम आपको ये सिखाते हैं डेट हाउ यू कैन वैल्यू अ कंपनी तो एक कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे फाइंड करें एंड इंट्रेंसिक वैल्यूएशन की हम लाइव क्लासेज कोर्स मेबर्स के लिए अक्टूबर एंड से वापस स्टार्ट करें तो एवरी सनडे फॉर द फोर सनडेज अक्टूबर एंड से दिल बी अंट्रेंसिक वैल्यूशन का कोर्स डैट वील डू अगेन विद मल्टीपल केस स्टडीज फोर्थ पार्ट ऑफ दी एस ओ आई सी मेबरशिप में हम लोग क्या 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 कराते टीच यू हाउ टू बिल्ड एंड एंट्री का फ्रेमवर्क स्टॉक्स में एंट्री कप लेनी चाहिए स्टॉक्स को वर्ल्ड कप तक करना चाहिए एंड एक एक्जिट का फ्रेमवर्क आप स्टॉक्स में कैसे बिल्ड कर सकते हैं फिफ्थ पार्ट में आपको ये सिखाते हैं हाउ टू फाइंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स एंड लास्टली वी टीच यू सेक्टोरल कैसे समझ सकते हैं सो ऑल ऑफ दिस में स्पेशल डिस्काउंट कोड ऑन एस फोर हंड्रेड के एनिवर्सरी एंड यू कैन यूज अपन कोड फोर हंड्रेड के टू एक्सेज डेट डिस्काउंट एंड दिस कूपन कोड इज ओनली वैलड फॉर द नेक्स्ट फाइव डेज विद्स प्रोसीड विदियो तो यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ऑन डिमांड साइडिंग दिस इंडस्ट्री तो है पीएम कुसुम योजना पीएम कुसुम योजना क्या है कि जितने भी सो, जितने भी लाइक आपके फार्म्स हैं या एग्रीकल्चर फार्म्स हैं तो वहाँ पे डीजल पंप्स लगे हुए हैं टू तो टेक आउट वाटर फ्रॉम फ्राम अर्थ ताकि प्लांट्स हम लोग पूरे फार्म की इरीगेशन और ये सब कर पाए बट अब डी डिजिटलाइजेशन ऑफ फार्म लैंड्स है डी डीजलाइजेशन का क्या मतलब कि डीजल कॉज इज अड ऑफ पोल्यूशन एंड वन डीजल पंप इस फॉर ऑलमोस्ट वन पॉइंट फाइव लाख रुपीज़ तो इंडिया में आज लगभग फोर्टीन करोड़ फार्मर्स हैं फोर्टीन करोड़ फार्मर्स में से आई थिंक अभी फाइव करोड़ फार्मर्स के पास पंप है नाइन करोड़ फार्मर्स के पास पंप नहीं है एंड ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट जो फार्मर्स के पास पंप्स हैं दो आर डीज़ल पंप्स तो व्हाट इज हैपनिंग कि पीएम कुसुम योजना में एक कॉम्पोनें ए कॉम्पोनेट बी और कॉम्पोनेंट सी है कॉम्पोनेंट बी के अंदर फोर्टीन ,00 लैक्स सोलर पम्प्स इंस्टॉलेशन की बात करी गई है सोलर पम्प्स में क्या है बेसिकली सोलर मॉड्यूल लगेगा पम्प्स के मोटर कंट्रोलर होंगे एंड साथ पम्प सब मर्ज होगा लाइक ग्राउंड एंड uh, like uh, वहाँ पे पूरा का पूरा जो पंप है इट विल वर्क वाया सोलर पैनल्स तो इससे फायदा हो जाएगा फार्मर को एक तो पहले आपका डीजल का खर्चा बच गया सेकंड क्या है कि जो एक्सेस पावर बन रही है यू कैन ऑल्सो सेल इट टू ग्रिड तो इट विल ऑल्सो लीड टू अस ऑफ इनकम फॉर द फार्मर तो यहाँ पे कितने सोलर पैनल पर एन की रिक्वायरमेंट है इट इज क्लोज टू थर्टी फोर पॉइंट एट गीगा वाट्स राइट सो दिस इज अगेन अ गवर्मेंट पॉलिसी देन सोलर पार्कस हैं जिसमें थर्टी सेवन पॉइंट सेवन गीगा वाट्स की डिमांड साइड रिक्वायरमेंट है

बेसिकली गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट अभी रिसेंटली uh, लागू करें तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम है जैसे वो पीएम कुसुम योजना हो या चाहे वो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हो चाहे वो रूफटॉप सोलर स्कीम हो तो गवर्नमेंट ने बोला है कि इसके अंदर डोमेस्टिक कॉन्टेंट रिक्वायरमेंट है डैट इज अ डी रिक्वायरमेंट डी रिक्वायरमेंट क्या है इट इज अ पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाई इंडियन गवर्नमेंट दट मैंडेट्स अ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ कॉम्पोनेट्स इंक्लूडिंग सोलर एंड सेल मॉड्यूल्स जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में यूज़ हो रहे हैं इट शुड बी मेड इन इंडिया

तो दे हैव टू प्रोक्योर सोलर सेल डोमेस्टिकली राइट दे कांट इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना इफ दे वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द पी एम कुसुम योजना तो उनको एक डोमेस्टिक प्लेयर के साथ टाइप करना पड़ा राइट इवन दो डोमेस्टिक प्लेयर के प्राइसेज ज्यादा हैं माने मैं एग्जाम्पल देता हूँ सिक्सटीन सेंट्स के आसपास आ रहे हैं अभी वे चाइना से फोर सेंट्स पे आ रहे हैं राइट right? तो इतना फर्क है प्राइसिंग में बट फिर भी वो डोमेस्टिकली प्रोक्योर कर रहे हैं टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट स्कीम्स वट इज दिस रीडिंग टू फर्स्ट थिंग इट इज रीडिंग टू गारंटीड मार्केट रिड्यूस कॉम्पिटिशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्योंकि देखिए मॉड्यूल और सोलर सेल वालों पास जब पैसे आएंगे तो वो लोग एक्सपेंशन करेंगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे एंड इंडिया के अंदर स्केल लगेगा इट इस वजह से डोमेस्टिक कॉन्टेंट रिक्वायरमेंट इज अ पॉलिसी विच इज लीडिंग टू अब्जर्ड और अबनॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी स्पेशली फॉर सोलर सेल मैनुफेक्चरर्स सोलर सेल मैनुफैक्चर्स का फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट का ईबिटा मार्जिन छूट रहा है इस टाइम पे एंड सोलर मॉड्यूल कंपनीज़ को भी इसके अंदर ऑलमोस्ट एलेवन टू थर्टीन परसेंट का ईबिटा मार्जिन बन रहा है एंड वहाँ पे आर ओ सी थर्टी परसेंट बन रहा है फिर सेकेंड पॉलिसी की है गवर्नमेंट की दैट इज़ अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैनुफैक्चर आई थिंक करेंटली देर आर तो ये ट्वेंटी नाइनटीन के अंदर आई थी ये, ये चीज़ एंड क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन कैपैसिटी अंडर एल एम एम इस फिफ्टी गीगा वर्ट्स माने गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं चाहे वो एन टी पी सी ऑर्डर कर रहा हो या जो भी लोकल पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट है तो उसमें एक एल एम एम लिस्ट है एल एल एम एल एम एम लिस्ट के यूटिलिटीज़ के ऑर्डर होते हैं दे विल ओनली भी डन बाई अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैनुफैक्चर्स माने इंडियन गवर्नमेंट ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स लगाए हैं चाइनीज सोलर इम्पोर्ट्स पे कि अगर कोई भी लोकल सोलर पॉलिसी है तो वहाँ पे अगर कोई वेंडर इंडिया का है जो ए एल एम अप्रूवड है तो किसी यूटिलिटी को उनसे ही मॉड्यूल ख़रीदना पड़ेगा वो चाइना से इम्पोर्ट नहीं कर सकते एट सो दिस इज़ अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉड्यूल एंड अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैनुफैक्चर की ए एल एम इज़ अ प्री अप्रूव लिस्ट ऑफ़ सोलर मैनुफैक्चर विच द रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड एफिशियसी ऑफ मॉड्यूल्स इनिशली 2021 में हुई थी पर उसके बाद अबियंस हो गया था फिर 2023 से बेसिकली वापस मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी में बंद हुई फिर 2024 अप्रैल फोर फर्स्ट से वापस इंप्लीमेंट करी गई बिकॉज इंडिया के अंदर लोकली सोलर मॉड्यूल मैनुफैक्चर्स काफ़ी सारे आ गए तो ये चीज आपको क्यों याद रखनी है बिकॉज दिस इज अ कमोडिटी इंडस्ट्री प्योर ग्लोबल कमोडिटी तो इंडिया में कंपनीज़ की ओर कर रही है बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर फेवरिंग देम पॉलिसीज़ लाइक ए पॉलिसीज लाइक डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट एंड फाइनली पॉलिसीज लाइक गवर्नमेंट प्रोटेक्शन गवर्नमेंट प्रोटेक्शन यहाँ पे क्या है कि एक बेसिक कस्टम ड्यूटी है एक BCD है किसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी है कि अगर आप चाइना से सोलर सेल इम्पोर्ट कर रहे हैं तो आपके ऊपर का बेसिक कस्टम ड्यूटी है एंड अगर आप सोलर मॉड्यूल इम्पोर्ट करें तो आप फोर्टी परसेंट का बेसिक कस्टम ड्यूटी है अगर आप सोलर ग्लास इम्पोर्ट करते हैं तो सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स वहां पर भी टेन परसेंट का बेसिक कस्टम ड्यूटी है राइट सो अगेन इट इज क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल बैरियर टू एंट्री फॉर इम्पोर्ट्स बिकॉज गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू ग्रो दिस इंडस्ट्री लोकली

देन ट्वेंटी ट्वेंटी एट में क्या एक्सपेक्टेड है कि रूफ टॉप्स का इसके अंदर शेयर बढ़ जाएगा आइट एंड ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में भी सोलर पैनल्स की बहुत यूसेज होती है तो एक्सपेक्टेड है कि वन ट्वेंटी गीगा की ओवरऑल डिमांड क्रिएट हो सकती है ग्रीन हाइड्रोजन से अगर फाइव गीगावाट ऑफ़ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है बाई ट्वेंटी थर्टी सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू लॉट ऑफ डिमांड एंड यूटिलिटीज़ विल रिमेन द मेजर सोर्स ऑफ डिमांड यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग एंगल है कि इंडियन कंपनीज क्यों एक एक्सपैंड कर रही है इसको बहुत आराम से समझिए क्योंकि आगे जाके हम इंडियन कंपनीज देखने वाले हैं बिकॉज यूएस ने इंडिया चाइना के ऊपर बैन लगाए हैं एंड चाइना पे अब्जर्ड ड्यूटीज लगाई है तो अभी चाइना पे रिसेंटली एक और कस्टम ड्यूटी लगाई गई है जिसपे फिफ्टी फाइव परसेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी उनके सोलर सेल्स पे है सिमिलर मॉड्यूल्स के ऊपर है कि फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट अगर आप पे एंटी डंपिंग ड्यूटी है तो आप सेप्टेम्बर के बाद वहाँ से इम्पोर्ट नहीं कर सकते तो यू यू एस एंड यूरोप हैव अ पोटेंशियल डिमांड ऑफ़ फिफ्टी टू सिक्स गीगा वॉट ऑफ़ सोलर मॉड्यूल ईच ईयर तो इट टेक्स लाइक मोर देन नाइनटी परसेंट ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स गो टू नॉर्थ अमेरिका राइट एंड इट मे इंसेंटिवाइज इंडियन प्लेयर्स टू सेटअप फैसिलिटीज़ इन यू एस ए तो यू एस ए ने क्या बैन ऑन इम्पोर्ट मटीरियल लगाया तो जिन जियांग प्रोविंस है चाइना के अंदर वहाँ पर बहुत फोर्स लेबर यूज होती है तो ये बैन लगाया फोर ईयर्स का कि वहाँ से कोई भी सोलर पैनल नहीं आ सकता है यू एस के अंदर एंड इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के अंदर यू एस ने डोमेस्टिक को इंसेंटिवाइज़ बट यू एस के अंदर कॉस्ट ऑफ मैनुफैक्चरिंग इज वेरी हाई एंड इंडियन एक्सपोर्टर्स हैव फाउंड दिस ऑपरचुनिटी तो ये इंडिया से सोलर मॉड्यूल्स का एक्सपोर्ट भी यू एस की तरफ हो रहा है राइट दिस इज वट इज रीडिंग टू अब्जर्ड प्रोफिटेबिलिटी फॉर सम सोलर पैनल मैनुफैक्चर्स इन इंडिया राइट तो यू एस के अंदर देखते हैं तो यू एस के अंदर टू रिड्यूस रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड गुड्स तो यू एस मॉड्यूल मैनुफेक्चरिंग हैज ग्रोन फ्राम एट पॉइंट फाइव गीगा वर्ड्स टू ऑलमोस्ट सिक्सटीन पॉइंट वन टू थर्टी फाइव गीगा वर्ड्स एक्सपेक्टेड है सिक्सटी टू गी वर्ड्स तब की यूएस की जो बेसिकली सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी है वहाँ तक ग्रो कर सकती है राइट right? एंड uh, इंडिया के अंदर जो कुछ प्लेयर्स हैं लाइक वारी एनर्जीज हो गया या प्रीमियर सोलर हो गया दीज कंपनीज़ आर कंटेम्पलेटिंग टू सेट अप सोलर मैनुफैक्चरिंग कैपैसिटीज़ इन यू एस आई थिंक वारी एनर्जीज ने शायद से वहाँ पर अनाउंस भी करें टेक्स के अंदर प्लांट लगाने का या मेक्सिको के अंदर प्लांट लगाने का तो वो मानते हैं कि इंडिया में सेवेंटी टू गीगा वॉट्स की अभी इंस्टॉल्ड कपैसिटी है तो एफ आई ट्वेंटी फोर में हु एज अ मेजर शेयर ऑफ दिस कपैसिटी तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है तो वारी एनर्जीज इज़ द लीडिंग प्लेयर विद ट्वेल्व पॉइंट फाइव गीगा वाट्स ऑफ कैपेसिटी देखिए इस इंडस्ट्री में दो चीज़ आपको समझनी जरूरी है कि पहली चीज़ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी डजेंट मीन कि आप इतना सोलर पैनल बेच सकते हैं जैसे वारी गीगा जैसे वारी एनर्जीज के केस में अगर ट्वेल्व पॉइंट फाइव गीगा वाट की कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है तो उनकी इस साल सेल सिर्फ फोर पॉइंट सेवन सेवन गीगा वाट से हुई थी बिकॉज ट्वेल्ल्व पॉइंट फाइव का क्या मतलब है कि आप बड़े वाले सोलर पैनल भी बना सकते हैं सेम लाइन पे बट अगर आपको छोटे वाले का ऑर्डर आ गया तो माने आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जनरली इस इंडस्ट्री में 65 टू 70 परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकती तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी फिर रिन्यू पावर की 6.4 पॉइंट फोर की कैपेसिटी है रिन्यू पावर इस टाइम पे लॉसेस में है वारी एनर्जीज प्रॉफिट्स में टाटा पावर सोलर की फोर पॉइंट की कपैसिटी है बिकॉज टाटा पावर एक खुद के कैप्टिव परपज के लिए यूज कर रहा है प्रीमियर एनर्जीज की फोर पॉइंट है सिक्स ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कपैसिटी है फिर अडानी मुंडा सोलर की फोर गीगा की कपैसिटी इंस्टॉल्ड है विक्रम सोलर की थ्री पॉइंट है फर्स्ट सोलर की थ्री पॉइंट थ्री है गोल्डी सोलर की भी थ्री पॉइंट थ्री है राइट सो अगेन देर आर बिग इन मैन्युफैक्चरर्स एंड देन अपार्ट फ्रॉम देम देर आर क्लोज टू एटी टू नाइनटी मोर सोलर मॉड्यूल मैनुफैक्चरर्स विच आर देयर इन द कंट्री राइट नाउ एंड इंडिया में जो डोमेस्टिक कंजम्पन है और एनुअल कैपेसिटी एडिशन है राइट तो अगेन दिस इज एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बिकॉज इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक कंजम्पन होगी डेट गोडो फिफ्टी एट टू सिक्सटी गीगा वर्ड्स पर एनम बाई ट्वेंटी ट्वेंटी एट बट उस टाइम तक तो हो सकता है इंडिया के अंदर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो सोलर की दैट विल बी मोर देन 100 टू 120 ट्वेंटी गीगा वॉट्स तो इस इंडस्ट्री के अंदर एक सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस हो सकता है बट इंस्टॉल कैपेसिटी अगर 120 ट्वेंटी गीगा वाड्स की है तो ज़रूरी नहीं है कि इंस्टॉल कैपेसिटी मीन्स की इट विल भी यूजेबल कपैसिटी राइट तो इवन दो इंस्टॉल कैपैसिटी विल भी हायर देन द डिमांड इन इंडिया तो वहाँ से एक्सपोर्ट भी होएगा एंड ऑल्सो बेसिकली इंटरेस्टिंग थिंग इज़ की इंस्टॉल कैपेसिटी सारी यूसेज में नहीं आती सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी परसेंट यूज़ हो सकती है पर फिर भी हमें ध्यान रखना है कि रिस्क फैक्टर है इस इंडस्ट्री में कि इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है कि ओवर सप्लाई ना हो जाए तो इंडिया में सोलर मॉड्यूल का डिमांड सप्लाई इंबेलेंस जो है यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इंडिया में इम्पोर्ट अभी भी अगर हम देखते हैं एफ आई में तो फोर्टी सेवन सॉरी अगर इंडिया में इम्पोर्ट देखते हैं तो फोर्टी सेवन परसेंट ऑफ सोलर मॉड्यूल्स आर स्टिल इम्पोर्टेड इन इंडिया वेर एस नेक्स्ट ईयर ये थर्टीन परसेंट होएंगे फिर एफ आई ट्वेंटी एट तक सिर्फ सिक्स परसेंट इम्पोर्टेड होएंगे दैन इंडिया की जो कंजम्पशन uh, है राइट right? सो so, और इंडिया की जो प्रोडक्शन uh, है अगर हम यहाँ पे हम ये डेटा दे, देखते हैं तो इंडिया में प्रोडक्शन अभी लाइक uh, like अगर एफ आई ट्वेंटी फाइव में देखते हैं तो फोर्टी गीगा वर्ड्स की होगी ऑलमोस्ट वेर एज़ कंजम्पशन इंडिया में थर्टी फाइव गीगा वर्ड्स की होगी फास्ट ओवर टू एफ आई ट्वेंटी एट इंडिया में प्रोडक्शन सोलर मॉड्यूल्स की सेवेंटी फोर पॉइंट थ्री गीगा वर्ड्स की होगी जो अगेन इंस्टॉल कैपैसिटी रेटेड कपैसिटी की कितना रोड्यूस कर सकते हैं वो सेवेंटी फोर गीगा वर्ड्स की होगी वेर एज कंजम्पन फिफ्टी एट गीगा वर्ड्स की होगी तो यहाँ पर ओवर सप्लाई क्रिएट हो सकती है बट रेस्ट ऑफ इट ओनली कैन बी केटर्ड थ्रू एक्सपोर्ट्स अगर इंडिया के एक्सपोर्ट्स खत्म हो जाते हैं तो इस इंडस्ट्री के अंदर एक डोमेस्टिक ओवर सप्लाई क्रिएट हो जाएगी आफ्टर टू ईयर्स राइट

लास्ट फोर ईयर्स में ऑलमोस्ट थर्टी फाइव परसेंट के आसपास की इंडिया के अंदर ये ग्रोथ रेट्स आई हैं सोलर मॉड्यूल के अंदर राइट right? तो एनुअल uh, टेंडरिंग कितनी है फिफ्टी गीगा वॉट की बेसिकली एनुअल बिडिंग है जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है इस टाइम पे सोलर के अंदर एंड लाइक uh, like, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी है उन्होंने एनुअली फिफ्टी गीगा वॉट ऑफ़ रिन्यूबल एनर्जी कपैसिटी का सेंक्शन करा है जिसमें से एट्टी परसेंट सोलर होएगा तो माने फोर्टी गीगा वॉट्स की जो एनुअल टेंडर्ड कपैसिटी होगी सोलर की uh, जो टेंडर्ड कैपैसिटी होगी ग्रीन एनर्जी में डैट विल बी सोलर एन गीगा वॉट विल बी विंड राइट सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज की आफ्टर टू थ्री इयर्स वी माइट मूव टू एन ओवर सप्लाई इन द इंडस्ट्री बट ये पिकअप समू वेल रिगार्डलेस बिकॉज देवल टू एक्सपोर्ट देयर कैपेसिटीज और एक्सपोर्ट कौन कर पाएगा वही कंपनीज कर पाएंगी जहां पे आपका जहां पर आपका बेसिकली सोलर सेल की भी प्रोडक्शन हो दिस इज वॉट ब्रिंगज टू सोलर सेल्स ना सोलर सेल्स में क्या इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की जो सोलर सेल की कैपेसिटी है

एंड अपार्ट uh, फ्रॉम दैट प्रीमियर एनर्जीज भी सोलर सेल्स के अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है वारी एनर्जीज भी अभी अपना प्लांट स्टार्ट करी है और टाटा सोलर ने भी अभी अपना प्लांट स्टार्ट करा है बट सोलर सेल लगाना मुश्किल क्यों है इसका सिंपल रीजन है कि अगर आपको वन गीगा वॉट की मॉड्यूल की कपैसिटी लगानी है और वन गीगा वॉट की सोलर सेल की कपैसिटी लगानी है तो डिफरेंस कुछ ऐसा है कि टू सेवेंटी फाइव करोड लगेंगे वन गीगाट ऑफ सोलर मॉड्यूल कपैसिटी में बेरोज नाइन हंड्रेड करोड लगते हैं वन गा वॉट ऑफ सोलर सेल लाइन की कपैसिटी में दैट इज नाइन हंड्रेड करोड ऑलमोस्ट अ डिफरेंस ऑफ थ्री टू फोर टाइम्स एंड ऑल्सो जरूरी नहीं है कि आपने सोलर सेल की कैपेसिटी लगा दी तो आप उसको चला पाएंगे यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली इट इज़ अ वेरी इंटेंसिव प्रोडक्ट माने अगर सोलर सेल्स में ब्रेकेज आ गई तो आपका वहाँ पे ज़्यादा आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे राइट तो इसलिए इसको टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही एक इंटेंसिव प्रोडक्ट है सोलर सेल्स एन इंडिया से जो सोलर सेल का एक्सपोर्ट मार्केट है दैट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ सी ऑफ सिक्सटी फोर जैसे लास्ट लाइक uh, like, uh, जैसे लाइक ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट वॉल्यूम एट्टी टू परसेंट अगर पे ग्रो कर सकती है फ्रॉम पॉइंट एट गीगा वर्ट्स टू फोर गीगा वर्ट्स राइट तो दिस इज़ अ मार्केट वेयर सम ऑफ द प्लेयर्स व एक्जिस्टिंग आद तो जैसे मुंड्रा सोलर है जिसका फोर गीगा वर्ट्स का सोलर सेल का कैपेसिटी है टाटा पावर का भी रिसेंटली एक कैपेसिटी इनग्रेट हुआ आई थिंक टू गीगा वर्ट्स से ज़्यादा गए तो वेब है जिनका सिक्स हंड्रेड मेगा वाट का कैपैसिटी है जुपिटर सोलर है जिसका एट हंड्रेड एट हंड्रेड मेगा वाट का कैपैसिटी है वो भी ऑलमोस्ट टू गीगा वर्ट से अपने सोलर सेल को कर रहे हैं फिर प्रीमियर एनर्जीज है जिनका टू गीगा वॉट का कपैसिटी है और वारी एनर्जीज़ है जो ऑलमोस्ट सिक्स गीगा वॉट का कैपैसिटी और ईसा में लेके आ रही है विच कैन बी एक्सपेंडेड टू टेन गीगा वॉट्स अगर आप उनकी एनअल रिपोर्ट पढ़ते हैं राइट तो यहाँ पे ये सारे सोलर सेल के अंदर प्लेयर्स एंड दीज प्लेयर्स आर करेंटली गोइंग थ्रू एन ऑब्जर्व प्रॉफिटेबिलिटी साइकिल बट सी एवरी शॉर्टेज ऑफ सप्लाई लीड्स टू बेसिकली क्या होता है मतलब ये सेग है कि जब शॉर्टफॉल ऑफ सप्लाई होती है तो इवेंचुअली नीड्स टू ओवर सप्लाई तो सीड्स ऑफ फेलियर आर सोन एट एट द द टाइम ऑफ 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 सीड्स सक्सेस सक्सेस टाइम्स हमेशा सीड्स ऑफ फेलियर सोन होती है तो इसलिए जो कंपनी फटाफट बैकवर्ड इंटीग्रेट कर पाएंगी कंपनीज विल बी द विनर इन दिस सेक्टर एंड ऑल्सो गवर्नमेंट पॉलिसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेक्टर एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि अगर आप पर्क देखते हैं टॉपकॉन देखते हैं एच देखते हैं और आई देखते हैं और तो टैंडम देखते हैं तो जैसे वेबसॉल का एक्सम्पल है तो वेबसॉल इज अ कंपनी जिनका जब सोलर सेल टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो कंपनी वेंट ऑलमोस्ट बैंक अब उन्होंने मोनोपर्क सेल्स की टेक्नोलॉजी लगाई है तो अभी जो मोनोपर्क सेल की टेक्नोलॉजी है ये चल रही है इसके बाद अभी टॉपकॉन आ चुकी है तो जितनी भी बड़ी सोलर कंपनीज़ है इंडिया में वो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी पर ऑलरेडी जा रही है फिर टॉपकॉन के बाद एच आ रही है फिर आई आएगी फिर टैंडम आएगी राइट एंड विद ईच एंड एवरी पासिंग टेक्नोलॉजी वॉट हैपन्स इज़ दैट योर एफिशियंसी ऑफ द सेल स्टार्ट इंक्रीजिंग राइट तो एफिशियंसी ऑफ द सेल्स कीप इंक्रीजिंग माने इट बिकम्स मोर एफिशियंट टू प्रोड्यूस द सोलर एनर्जी राइट तो दिस इज़ वाई यू हैव टू रिमेंबर इट्स एन इंडस्ट्री वेर द टेक्नोलॉजी ऑल्सो कीप्स चेंजिंग एंड इंडिया में सोलर सेल्स की अगर हम अभी देखते हैं इम्पोर्ट कितना होता है तो एफ आई ट्वेंटी फाइव में एट्टी वन परसेंट ऑफ इंडियन लोकल रिक्वायरमेंट विल बी मेट बाई इम्पोर्ट्स ऑफ सोलर सेल तो इसलिए जो डोमेस्टिक कॉन्टेंट रिक्वायरमेंट है जो थोड़ी सी कंपनी सोलर सेल्स प्रोड्यूस कर रही है उनको बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट डी सी आर पॉलिसी एक प्रीमियम मिल रहा है इस टाइम पर क्योंकि क्या प्रीमियम है चाइना से चार सेंट का आता है आप कितने का बेच रहे हैं सिक्सटीन सेंट्स का

तो यहाँ पे विनर कौन होंगे इस सेक्टर में कंपनीज विच विल हैव देयर ओन सोलर सेल कैपेसिटी एंड मॉड्यूल कैपेसिटीज राइट तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल की पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर सप्लाई क्या हो सकती है हम एक बार मेन प्लेयर्स देखेंगे और रिस्क फैक्टर देखेंगे इस सेक्टर में राइट right? तो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर सप्लाई क्या हो सकती है जैसे हमने देखा यहाँ सोलेक्स की कॉन कॉल में कि फर्स्ट थिंग इज हंड्रेड गीगा वॉट इज अम डेम कपैसिटी नेम प्लेट कपैसिटी सो इट इट गिव्स यू बिग अंडरस्टैंडिंग सो वैन यू टॉक अबाउट हंड्रेड गीगा वट नेम प्लेट कपैसिटी द एक्चुअल यूटिलाइजेशन इज मच लोअर राइट तो इंडिया में जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर डिमांड फिफ्टी गीगा वर्ड्स पर एनम की है और इंडिया में कपैसिटी हंड्रेड गीगा वर्ड्स से भी ज़्यादा इंस्टॉल हो जाती है तो कंपनीज़ किस पे बेट कर रही है कंपनीज़ क्या बेट कर रही है अगर आप ये देखेंगे e, to to US, right? तो right? right? कि दे विल बी एबल टू एक्सपोर्ट टू यू एस राइट तो यू एस के अंदर जो डिमांड है राइट यू एस में हंड्रेड गीगा वर्ड्स की डिमांड है राइट एंड देयर सेंग की फोर्टी परसेंट इसका अगर इंडियन कंपनीज भी एक्सपोर्ट कर देती है तो डेट इज़ ऑलमोस्ट फोर्टी गीगा वर्ड्स एंड यूरोप विल बी समवेयर क्लोज टू फाइव टू एट गीगा वर्ड्स फार मार्केट शेयर ऑफ इंडियन मॉड्यूल्स राइट सो so बेसिकली अगर इंडिया में ओवर सप्लाई होती है तो कंपनीज आर बैंकिंग की यू एस के अंदर एक्सपोर्ट कर देंगे जहां पे टेन परसेंट रियलाइज आर हायर बट आई विल स्टिल से कि अगर यू एस के अंदर ही लोकलाइजेशन ऑफ सोलर मॉड्यूल्स होने लग गया नेक्स्ट थ्री फोर ईयर्स में बहुत ज्यादा तो मे बी टू वन टू टू ईयर डाउन द लाइन दिस इंडस्ट्री विल हिट ओवर सप्लाई बट ट्वेल्व टू एटीन मंथ्स के अंदर बहुत क्लियर है कि ये कंपनीज बहुत पैसा कमाने वाली है बिकॉज ऑफ दिस राइट कि बहुत मार्जिन एक्सपेंशन होने वाले हैं बट अगेन इट्स अ कमोडिटी इंडस्ट्री फोक्स बार बार मैं इस वीडियो में क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसको भूलिए मत कि एक कमोडिटी इंडस्ट्री है ये मैं आपको बाहर के प्लेयर्स का एग्जाम्पल दूंगा तो अभी हम चलते हैं कि इंडिया में कौन कौन से प्लेयर्स हैं एंड इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उस टाइम पर क्या क्या कर रहे हैं तो पहले तो हम देखते हैं इंडिया के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स हैं चाइना के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स हैं तो इंडिया के अंदर जो बड़ी कंपनीज हैं तो वारी एनर्जीज सबसे बड़ी कंपनी है अभी एंड वारी एनर्जीज 12 गीगावाट का मॉड्यूल कैपेसिटी वारी वारी एनर्जीज के पास है सिक्स गीगावाट का वेफर कैपेसिटी है वारी एनर्जीज के पास जो वारी एनर्जीज का प्रपोज के पैक्स है मानिए बैकवर्ड इंटीग्रेट करें इनगॉट और वेफर्स में एंड सेल कैपेसिटी इलेवन पॉइंट फोर गीगा वर्ट्स का जिसमें से सिक्स गीगा वर्ड्स और ईसा में अभी लाइव कर रहे हैं उसके बाद इसको इलेवन पॉइंट फोर कर देंगे एंड मॉड्यूल कैपेसिटी अभी वारी एनर्जीज का ट्वेंटी वन गीगा वर्ड्स का प्रोपोज एक्सपेंशन uh, है कि ट्वेंटी वन गीगा वर्ड्स तक ले जाएंगे एंड एवं टूवर्ड्स थर्टी गीगा वर्ड्स विक्रम सोलर का अभी कैपेसिटी 3.5 पॉइंट का है प्रीमियर एनर्जीज का 4.13 पॉइंट का कैपेसिटी है बट प्रीमियर एनर्जी के पास सेल कैपेसिटी भी है टू गीगा की सोलेक्स की 1.5 की कैपेसिटी है बट सोलेक्स पास जो कॉम्प्लेक्स है उसमें फोर पॉइंट फाइव तक की कैपेसिटी हो सकती है वेबसॉल के पास अभी सिक्स हंड्रेड की कैपेसिटी है एंड वहाँ पे प्रपोज सेल कैपेसिटी एटीन हंड्रेड की और है विच विल टेक द सेल कपैसिटी टू टू पॉइंट फोर राइट इबिटा मार्जिन में अभी कैसे बन रहे हैं तो मोस्ट एफिशिएंट प्लेयर इन दिस सेक्टर इज वारी एनर्जीज जहाँ पे थर्टीन पॉइंट एट परसेंट का इबीटा मार्जिन बन रहा है ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट की फोर्टी परसेंट की आर ओसी है वारी एनर्जीज की वारी एनर्जीज का रिसेंटली सेबी ने डी आर एच पी अप्रूव भी करे एंड वारी एनर्जीज के अंदर क्या है कि लाइक मोस्ट ऑफ द आई पी ओ जो रेज uh, हो रहा है उसमें से तीन हजार करोड़ टू फंड के पैक्स ही हो रहा है क्योंकि बैकवर्ड का इंटीग्रेशन का काफी बड़ा CAPEX है सोलर सेल्स और वेफर का तो ऑलमोस्ट थ्री थाउजेंड करोड प्लस का जो फंड रेज है डेटल्स फॉर केपेक्स एंड टोटल में फंड टोटल में केपेक्स रिक्वायरमेंट है फंड की नाइन्टी फोर हंड्रेड करोड्स की विक्रम सोलर में अभी मार्जिन नाइन परसेंट ईविटा मार्जिनस पे आ गए विक्रम सोलर में सोलर ई के बहुत लॉसिस थे सोलर ई बिजनेस एग्जिट करें एंड नाउ देर गेटिंग इन टू मॉड्यूल बिजनेस एंड ये भी सोलर सेल की कैपैसिटी लगाना चाहते हैं थ्री वर्ड्स एंड ऑल्सो दिस इज अ कंपनी वेयर द इट इज़ अगेन लॉट ऑफ पीपल ऑन द ग्राउंड कटल बट पर कहते हैं कि विक्रम सोलर का सोलर पैनल इज द बेस्ट इन द कंट्री देन प्रीमियर एनर्जीज का ई मार्जिन अभी 15.9 है वाई इज इट हायर देन वारी एनर्जीज ओनली वन रीजन दैट इज सोलर सोलर सेल्स सोलर सेल्स एंड सोलर सेल्स क्योंकि प्रीमियर एनर्जी के पास आज सोलर सेल की कैपेसिटी है वारी एनर्जीज के पास नहीं है अगर वारी एनर्जीज़ के पास सोलर सेल की कपैसिटी आती है इट वड भी सरप्राइजिंग इफ द ई मार्जिन गो टू एटीन टू ट्वेंटी परसेंट ऑल्सो ए टेर इज अ शॉट फॉल ऑफ सेल कपैसिटी आई ट सोलक्स एनर्जीज का अभी एट परसेंट मार्जिन है जो मैनेजमेंट नाइन टू इलेवन परसेंट का गाइडेंस दे रही है विद फोर्टीन हंड्रेड करोड सेल्स राइट तो दीज आर लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया लाइक लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज इन इंडिया जिसमें लिस्टेड में आई थिंक अभी वारी अनर्जीज का आई पी ओ आ रहा है एंड प्रीमियर एनर्जीज की आप सबने तो लिस्टिंग देख ही ली होगी राइट तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं जैसे सोलर एनर्जी सोलर सेल्स में आपको दिखा दो कैसा लाइक पैट बन रहा है जस्ट टू शो यू जैसे वेबसॉल का ये फर्स्ट क्वार्टर था जिसमें सोलर सेल की कैपेसिटी लाइफ गई है तो देव डन अ ट्वेंटी थ्री करोड़ पैट बट माइंड यू दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ डी सी आर रिक्वायरमेंट वी डोंट नो ट हाउ लॉन्ग दिस प्रोफिटेबिलिटी विल लास्ट मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं एटलीस्ट आप ये सेक्टर में समझे सेक्टर सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी बस से बना हुआ सेक्टर है जिस दिन गवर्नमेंट पॉलिसी गई उस दिन ये सेक्टर गया तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी इट्स अ हाई रिस्क सेक्टर इट नॉट अ लो रिस्क अक्टर बाय एनीस ऑफ इमेजिनेशन राइट बिकॉज इट्स अ अ रेगुलेटेड सेक्टर सेक्टर एंड 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 आर गवर्नमेंट पॉलिसीज इट्स इट्स ग्लोबल कमोडिटी डिसाइडेड बाई एंटी डंपिंग ड्यूटीज तो इस सेक्टर में बटरफ्लाई इफेक्ट भी हो सकता है अगर कहीं पे कुछ खराब हुआ तो बहुत खराब भी हो सकता है सेक्टर तो हमने आज के रन रेट पे वेबसॉल ऑलमोस्ट हंड्रेड करोड़ का पैट कर सकती है राइट तो हंड्रेड करोड़ का पैट मीन्स की ऑलमोस्ट फोर्टी थ्री टाइम्स लाइक पी पे एफ सिमिलरली प्रीमियर एनर्जीज का एग्जाम्पल लेते है हैं तो प्रीमियर एनर्जीज का भी अगर हम क्वार्टर वन का पैट देखते हैं तो टू हंड्रेड करोड़ है सो दिस ईयर दे माइट टू एट हंड्रेड करोड़ पैट अगेन रन रेट अज्यूम करते हैं सो इट मीन्स की द कंपनी इज करंटली क्लोज टू इफ यू कैन टेक फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव टाइम्स पी रेशियो एट आई डोंट नो हाउ चीप और गुड दैट इज बिकॉज इट्स अ न्यू सेक्टर दैट इज कमिंग अप सोल एक्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो फोर्टीन हंड्रेड करोड़ का मार्केट कैप है इस साल की गाइडेंस है नाइन हंड्रेड करोड़ की सेल्स की विद ऑलमोस्ट टेन परसेंट ई बटा मार्जिन विच मीनस नाइनटी करोड़ का ई बटा आएगा एंड थर्टी करोड़ का पैट आएगा रफ बॉल पाक तो ऑलमोस्ट ये कंपनी भी आज फोटी फाइव टाइम्स पी रेशो पे है राइट एंड वारी एनर्जीज विच इज़ पर लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया अब जो भी अनलिस्टेड है जिसका आई आ रहा है तो वारी एनर्जीज के अंदर हम देखते हैं तो वारी एनर्जीज़ का जो इस टाइम पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ट्वेल्व फिफ्टी करोड़ का ऑलमोस्ट ंड कंपनी का भी अनलिस्टेड में आई थिंक मार्केट कैप सेवेंटी थाउजेंड करोड का चल रहा है राइट सो डैट इज हाउ द इंडस्ट्रीज तो इट्स डेफिनेटली हाईली वैल्यूड इंडस्ट्री एट द मोमेंट रिस्क फैक्टर्स क्या है इंडस्ट्री में तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है चाइना की कपैसिटी तो चाइना में एक बार यह मॉड्यूल कैपैसिटी देखिए जिंको सोलर इज अ कंपनी विच हैजन थर्टी की ईगा वाउट ऑफ मॉड्यूल कपैसिटी पूरी इंडियन इंडस्ट्री को अगर हम ऑलमोस्ट टावाइस कर दें देन इट इज़ इक्वल टू व कपैसिटी ऑफ जिंको सोलर पर जिंको सोलर टीना सोलर लोंगी सोलर इन सबके साथ क्या प्रॉब्लम है एक बार हम जिंको सोलर का एग्जाम्पल लेते हैं तो जिंको सोलर को देखते हैं अगर लास्ट फाइव ईयर्स में तो द शेयर प्राइस इज ऑलमोस्ट फॉलन बाई सेवेंटी फाइव परसेंट वाई सो बिकॉज द ग्लोबल ओवर सप्लाई ऑफ सोलर राइटोस्ट टू एक्स ऑफ वर्ल्ड डिमांड इज द कपेसिटी डेट इज सेटअप बाई चाइना लोंगी सोलर का एग्जाम्पल लेते हैं So last one year, it is down by fifty percent. Same same reason because of oversupply. Almost eighty percent down, hai, right? Right. So again, uh, why solar sector is doing well in India because of two reasons: government policies and policies by the U.S. government. So U.S. me, Energies is the biggest exporter right now, and Premier Energies is also exporting. Whereas Solex is also planning to export. Solex ka OEM business model hai. But this is the sector analysis. This is why this sector has opportunities. It has risk. की की पॉइंटर्स टू ट्रैक यहाँ पे क्या है सबसे बड़ा है, की पॉइंटर टू ट्रैक क्या है कि यहाँ पे मार्जिन को क्या होता तो है फिर मार्जिन्स के अलावा इस सेक्टर के अंदर अदर की पॉइंटर टू ट्रैक के हैं कि यहाँ पे अगर इंडस्ट्रियल ओवर सप्लाई होती है अगर यूएस के अंदर एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना पे हट जाती है तो डेफिनेटली इन कंपनीज के मार्जिन विल गेट अ अवियर इंपैक्ट राइट सो दिस सेक्टर इज मेड बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज यू हैव टू रिमेंबर दिस दिस इज अ वेरी बिग रिस्क दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी अगर दो तो, दो तीन साल के लिए वैक्यूम रहा तो लॉर्ड दिस कंपनीज गेट लिस्टेड जैसे विक्रम सोलर में लिस्टिंग की बात हो रही है वारी एनर्जीज में लिस्टिंग की बात हो रही है सिमिलरली प्रीमियर एनर्जीज लिस्ट हो गया एक और कंपनी जो जुपिटर सोलर के नाम से जो अनलिस्टेड में है जो सोलर सेल्स में बहुत बड़ी है राइट जैसे एक और लिस्टेड कंपनी है राइट सोलेक्स एनर्जी लिस्टेड कंपनी है जो ओ ईई एम कर रहे हैं बाकी लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग कर रहे हैं सोलेक्स सोल जैसी कंपनी सेवेंटी परसेंट बिजनेस उससे आ जाए इस टाइम पे सोलेक्स का तो दिस इज दिस इज हाउ द प्लेयर्स आर हेयर इन दिस सेक्टर अनदर रिस्क है कि अडानीज एंड अंबानीज आर एंटरिंग दिस सेक्टर बट इज़ इट इज एक्सपेक्टेड कि चिल टिल ट्वेंटी एट थर्टी तक वो अपने कैप्टिव यूसेज के लिए अपने पूरे इंटीग्रेटेड सोलर प्लांट्स लगा रहे इनगट से लेके वेवर से लेके सेल से लेके मॉड्यूल्स तक जस्ट फॉर देर ओन कैप्टिव यूसेज अगर यहाँ पे हम प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं इन कंपनीज की तो मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी डेफिनेटली इज़ वारी एनर्जीज विथ फिफ्टी टू परसेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड प्रीमियर एनर्जी हैज़ अ आर ओ सी ऑफ ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन परसेंट गोल्डी सोलर अनलिस्टेड कंपनी है थर्टी परसेंट का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और विक्रम सोलर का भी रिट आर ओ सी वापस बढ़ के अबव फिफ्टीन परसेंट चला गया वापस एफ आई ट्वेंटी फोर में राइट सो दिस इज द सेक्टर एनालिसिस ऑफ द सोलर एनर्जी सेक्टर इन इंडिया तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं पहले तो रिस्क है देखो गवर्नमेंट डिपेंडेंट सेक्टर है सेकेंड है मार्जिन कैन भी वॉलेटाइल अगर गवर्नमेंट पॉलिसी अवे थर्ड है कि एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी अगर यूएस चाइना uh, पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के रखते हैं तो इंडियन गाइज विल गेट एन अपॉर्चुनिटी फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू डिस्कस किया है कि इट्स अ ग्लोबल कमोडिटी इंडिया में क्योंकि अभी एक वैक्यूम है दिस इज वाई दिस कंपनीज आर लोकली डूइंग वेल एंड फिफ्थ पॉइंटर क्या है कि इस इंडस्ट्री में वही जीतेगा ओवर द लॉन्ग रन जिसके पास एक इंटीग्रेटेड स्केल हो सेल्स टू मॉड्यूल्स एंड नीचे जाके वेफर्स एंड इनगट्स तक सो दिस इज वेयर लाइक्स ऑफ वारी एनर्जीज आर सॉर्ट ऑफ डूइंग द एक्सपेंशन राइट तो पीछे आप भी आप देखेंगे आई थिंक आई वोट बी सरप्राइज गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट टू टू थ्री ईयर्स में काफी कंपनीज वेफर और इनगट्स तक जाने की ट्राई करेंगी राइट right? तो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स इन द लॉन्ग रन इन अ कमोडिटी सेक्टर एंड अप विनिंग बट विद अ कैवियट या अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज गो अवे देन दिस सेक्टर विल गेट टोस्टेड राइट सो दिस इज दीज आर द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज के सेक्टर ट्वेंटी फाइव परसेंट केगर पर ग्रो हो रहा है इतने कम सेक्टर्स हैं इंडिया में जो ट्वेंटी फाइव परसेंट सी ए जी आर पे ग्रो हो रहे हैं सो होपफुली दिस मेक्स इट क्लियर फॉर यू बट इस वैल्यू चेन में सोलर पंप कंपनीज भी हैं सोलर ई पी सी कंपनीज भी हैं जिनका हम अनालसिस अपनी किसी और वीडियो में करेंगे With this, let's go towards the conclusion of this video. So, in conclusion of this video, हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हमने सोलर इंडस्ट्री का वैल्यू चेन एनालिसिस करा कि कैसे सोलर पैनल बनते हैं जो बेसिकली ऑली सिलीकॉन होते हैं वेफर बनता है वेफर से हमने देखा कि कैसे आगे वैल्यू चेन चलती है right? So that was the most important aspect कि सोलर सेल इज the most technologically key aspect. फिर हमने देखा कि इंडिया के अंदर डिमांड और सप्लाई में क्या चल रहा है कि इंडिया में डिमांड ग्रोथ कितनी हो रही है ऑलमोस्ट ट्वेंटी फोर परसेंट की की डिमांड चल रही है इस टाइम ग्रोथ And साथ साथ policies, क्या की हैं जो लोकलाइजेशन साथ साथ ऑफ सोलर पैनलो सो वॉट कैन लीड टू एक्सपोर्ट ऑफ सोलर लार्जेस्ट प्लेयर हैीमियर सोलर भी सोलर सेल्स में आ रहे हैं वारी एनर्जीज भी सोलर सेल्स में आ रहे हैं फिर हमने इंडस्ट्री के रिस्क फैक्टर देखे

अगर आपको इसके रिसोर्सेज चाहिए रिसोर्सेज फॉर मेकिंग दिस एनालिसिस आर देर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो अगर आपको सोलर इंडस्ट्री को और अच्छे से बढ़ना है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंडस्ट्री एनालिसिस होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एसओ आई सी विच इज अ फ्री डिटेल्ड कोर्स ऑन स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग जय हिंद